दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मोतीनगर इलाके में घर में आग लगी है। आग की चपेट में आने से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। हादसे में एक युवक घायल हुआ है। ये घटना सुबह 3:30 बजे घटी, जहां एक घर में अचानक आग लगी और इस आग की चपेट में आने से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई, साथ ही एक युवक घायल हुआ है। 3:30 बजे का ये पूरा मामला है। दिल्ली के मोतीनगर में ये घटना घटी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मोतीनगर के उसी घर की तस्वीरें हैं जहाँ बीती रात आग लगी। 3:30 बजे का ये पूरा मामला है और इस आग की चपेट में आने से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई, एक युवक घायल बताया जा रहा है। फिलहाल आग की वजह क्या है इसको लेकर अभी स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी, घर में कौन कौन मौजूद था, इसको लेकर जाँच लगातार जारी है। लेकिन इस घर में रह रहे एक बुजुर्ग दंपत्ति इस आग की चपेट में आ गए और मौत हो गई। साथ ही एक युवक भी झुलसा है, जिसको अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली के मोतीनगर का ये पूरा मामला जहां ये घटना घटी, 3:30 बजे का ये पूरा मामला है। सुबह 3:30 बजे ये हादसा हुआ, अचानक आग लगी। इससे पहले कि बुजुर्ग दंपत्ति अपने आप को संभाल पाते, अपने आप को घर से बाहर निकाल पाते, आग ने चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि कुछ समझने को मौका ही नहीं मिला और बुजुर्ग दंपत्ति इसके चपेट में आ गए। इस घटना में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई, एक युवक घायल हुआ है जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो दिल्ली के मोतीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह 3:30 बजे घर में अचानक आग लगी। इन दिनों आग की कई सारे मामले सामने आ रहे हैं और शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के मोतीनगर का ये पूरा मामला जहां एक घर में आग लगी। ओपी शुक्ला जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ओपी, क्या जानकारी मिल पाई है घर में कौन कौन मौजूद था और ये आग कैसे लगी? देखिए, अभी पुलिस सूत्र इसी यही बता रहे हैं कि अभी घर में जो है तीन लोग मौजूद थे, जिसमें एक 24 साल का युवक था और जो 70 और 62 साल के जो बुजुर्ग दंपत्ति थी वो थे। हालांकि देर रात की ये घटना है जहां अचानक घर में आग लगी और इस कदर आग लगी कि ये तीनों घर में सो रहे थे और अचानक पूरे घर को आग की चपेट में पूरे घर को आग ने ले लिया, जिसके चलते पूरा घर जलकर राख हो गया। जहाँ पर ये बुजुर्ग जो दंपत्ति है वो उनकी भी जलकर मौत हो चुकी है। फिलहाल जो 24 साल का युवक है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है पूरे मामले की जांच चल रही है, जिसमें अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर आग किस वजह से लगी और आग इतनी भीषण कैसे हो गई, पूरे मामले की भी जांच चली है। फिलहाल जो फायर कर्मियों का कहना है कि रात करीब 3:30 बजे के करीब उनको सूचना मिली थी, जहां पर फायर की लगभग 3 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, जहां लगभग कई घंटों के बाद में आग पर काबू पाया जा सका।